क्रिकेट का खेल जितना लोकप्रिय और रोमांचक है उतना ही अब इस खेल पर सट्टेबाजी भी शुरू हो गई है। न सिर्फ मेट्रो सिटीज बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी ऑनलाइन सट्टे का क्रेज खूब बढ़ रहा है। राजधानी रायपुर में पुलिस ने जब एक जगह छापा मारा तो क्रिकेट मैच के बड़े सट्टेबाजों से इतनी रकम बरामद हुई कि पुलिस को उसे गिनने में पूरे 6 घंटे लग गए। जी हाँ, पुलिस ने मौके से 2 सटोरियों को भी पकड़ा है। इनमें से एक मुंबई में बैठकर डील करता था तो दूसरा रायपुर से पूरे सट्टा कारोबार को ऑपरेट करता था। बताया ये जा रहा है कि आज यानी 10 फरवरी को साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच होने वाले मैच के लिए करीब 90 करोड़ का सट्टा लगाया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि संजय नगर में एक शख्स है जो फोन पर शनिवार को होने वाले क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहा है। पुलिस ने मौके पर रेड मारी तो वहां मोहम्मद आसिफ और उसका भाई मुहीन पकड़े गए। इनके पास से 2,65,00,000 रुपए नकद बरामद हुए। ये सारे के सारे नोट 500 रुपए के नए नोट के शक्ल में था। आपको बता दें कि पुलिस ने पहली बार सटोरियों के पास से इतनी बड़ी रकम नकद बरामद की है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 5 करोड़ रुपए के सट्टे का लेखा जोखा भी बरामद किया है। वायरल की न्यूज़।